सत्यम स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और इसके लिए समय दूंगी। मैं न गंदगी करूंगी न किसी और को करने दूंगी। मैं सबसे पहले स्वयं से मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं गांव-गांव गली-गली और नगर में स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगी। मैं अन्य 100 व्यक्तियों से भी शपथ दिलवाऊंगी। मैं उन्हें शपथ लेती हूँ हर सप्ताह 2 घंटे श्रम दान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगी। धन्यवाद। रहता है आप जहाँ जहाँ से भी आए हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, देहात के हैं, आप ये नेटवर्क के यहाँ से जब जाओगे तो आपके मन में आएगा कि क्यों ना अपनी गली को साफ करें। लीडर एक होते हैं, उसके पीछे लगने वाले लोग बहुत होते हैं। आप में से पता नहीं कितने लीडर हैं, क्लास का मॉनिटर भी लीडर होता है, 10 बच्चों के साथ बात करने वाला भी लीडर होता है, एक ग्रुप को लेकर के जाने वाला भी कहीं लीडर होता है, मैनेजमेंट के लोग भी लीडर होते हैं। जब आप अपने गांव में अपने शहर में अपने मोहल्ले में सफाई अभियान स्टार्ट कराएंगे और पोलोथीन, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पोलोथीन में घर से पैक करके थाना लेकर के आपके बीच में भी आए होंगे, क्योंकि घर में मम्मी फटाफट पैक करेगी या रैपर में करेगी या प्लास्टिक के डब्बे में करेगी, उनको पता नहीं है कि हम अपने बच्चों को क्या देकर के जा रहे हैं। वो एक प्यार प्यार में उनकी अद्भुतता के कारण हम बहुत उनके अंदर बीमारी पैक करके अपने बच्चों को देते हैं। किसी होटल से सब्जी घर पर पैक करके लेकर के आ रहे हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी को पैदा करने लगता है। अब हमारे देश के अंदर 1978 से पहले 70 के दशक के बाद जब हमारे देश में पॉलिथीन बहुत ज्यादा मात्रा में आई, ये बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगा, उससे पहले भी हमारे गाँव में हमारे टीचर का जो वेस्ट था वो सारा बिगड़ के जा करके हमारे खेतों में डलता था, किसान लेकर के जाते थे। जब से पॉलिथीन आई है ये हमारे देश के अंदर हाई बीपी होना, सुगर होना और बड़ी तेजी से कैंसर का बढ़ना, ये सफाई ना होना, पॉलिथीन का प्रयोग करना, थर्माकोल का प्रयोग करना, ऐसे स्लोगन कईयों के हाथों में है। मैं आपका सबका इस मंच से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बेटियां स्वच्छ भारत मिशन को ठान लें तो अपना देश पूरी दुनिया के अंदर नंबर वन देश बन सकता है। 1967 के अंदर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने, जैसे अब जो वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014-2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया था, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने हमारे बीच में हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर भी आगे थे जी, उन्होंने जब स्टार्ट किया तो सिंगापुर की हालत बहुत बुरी थी, गली गली में कचरा, गली गली में गंदगी। आज सिंगापुर दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे साफ देश है और प्रधानमंत्री जी ने जब 8 साल पहले स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि आप 8 साल पहले काफी छोटे थे
और आप सब अपने मदर फादर को कार में, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे कचरा डालते होंगे तो आप उनको टोकते जरूर होंगे, आपके अंदर भावना जरूर जाती है। आज का जो कार्यक्रम डॉक्टर मिनू जी ने कहा, सबसे पहले तो उनका नगर निगम की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने हमारे छोटे से निवेदन पे इतना सुंदर और इतना बड़ा जो कार्यक्रम किया, एक संदेश देने वाला